द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों अपनी किताबें खोलो और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को निकालो। हम साथ मिलकर इस चैप्टर की शुरुआत में दी गई पिक्चर को समझेंगे। सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी, दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। जी, बहुत दिनों से चैनल पे एक ही कमेंट बहुत ही ज़्यादा आप लोग को आ रहा है। मैं देखते जा रहा हूँ कि उसमें आपका एक ही डाउट रहता है, भैया क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं एंड जैसे कि SST के बारे में स्पेशली कमेंट चाहते हैं कि इतने सारे चैप्टर्स हमें SST में पढ़ने हैं, लाइक 20 से भी ज़्यादा चैप्टर्स आपके SST में चारों सब्जेक्ट मिला के होते हैं एंड ये काफ़ी बोरिंग भी होता है एंड लास्ट टाइम में रिविजन भी नहीं हो पाता है। आप लोग स्कूल एग्जामिनेशन भी दे रहे हो लेकिन आपका रिविजन कम्प्लीट नहीं हो पाता, उसके कारण आप लोग का अच्छा मार्क्स भी नहीं आ पाता है। तो आप लोग कैसे लास्ट टाइम में अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप SST का सारे चैप्टर्स को एक घंटा के अंदर रिवाइज कर सकते हो, इसका सुपर ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। एंड आज तक यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताया, इनफैक्ट था ही नहीं आज से पहले, तो बताएगा कोई क्या। तो कुछ आपको बताते हैं कि रेंसो पब्लिकेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो किया हूँ अपने चैनल पर, पहले भी इनके फ्लैश कार्ड्स आते हैं इसके बारे में, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ नया आप लोग के लिए लाया है एंड डेफिनेटली आप लोग के डिमांड पर यह सब आता है, जो कि है रेंसो ऑडियो बुक्स। इसके अंदर आपको क्या मिलता है आगे सब कुछ आपको बताते हैं। कुछ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि 20,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं स्टूडेंट्स के पास। तो ये क्या है, जैसे कि आपको बताइए कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हो ना तो उसका आप 60% ही याद रख पाते हो, लेकिन किसी चीज़ को अगर आप सुनते हो तो उसे आप 80% से ज़्यादा तक याद रख पाते हो। एंड आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये प्रीव्यू क्या है ऑडियो बुक्स के बारे में, इसके बारे में जैसे कि पता है कि आपका एक चैप्टर है हिस्ट्री का, फर्स्ट ही चैप्टर आप लोग का है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में आपको बताते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक था पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सुरो। आप लोग को ये पेंटिंग आपके के फर्स्ट चैप्टर के बुक में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ऑडियो आपको एक क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि ये क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ इसको सुन सकते हो। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों अपनी किताबें खोलो और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को निकालो। हम साथ मिलकर इस चैप्टर की शुरुआत में दी गई पिक्चर को समझेंगे। सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। तुम्हारे सामने जो पिक्चर है इसे 1848 में फ्रांस के एक कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। इस पिक्चर में उन्होंने अपना सपना दिखाया है, एक ऐसी दुनिया का सपना जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बनी हो। फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था इस पिक्चर में उन्होंने अपना सपना दिखाया है एक ऐसी दुनिया का सपना जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बनी हो। यह सपना दुनिया के सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करता है। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। तो जैसे कि आप लोग सुना, ये मतलब जो आपका टॉपिक है ना उसे ऑडियो फॉर्मेट में इन्होंने इस बार इंक्लूड कर दिया, ताकि आप लोग कहीं चलते हो फिर रहे हो घूम रहे हो आप इसको सुनते रहोगे तो आपको ये याद होते रहेगा। एंड ऐसे ऐसे ये जो यहाँ पे 2 मिनट का क्लिप है, ऐसे काफ़ी सारे क्लिप्स आपको एक चैप्टर के मिलेगा, जो कि आप लोग नीचे देख सकते हो। एंड ये बस हिस्ट्री का नहीं, आपको जो SST में 4 सब्जेक्ट होते हैं ना हिस्ट्री के साथ, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस जो भी चैप्टर है, श्रीलंका बेल्जियम जो आपका चैप्टर है, मेजोरिटेरियन श्रीलंका ये चैप्टर है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का जो सारे चैप्टर्स है 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स में वो सारे चैप्टर्स के, और जियोग्राफी में 7 चैप्टर है 7 चैप्टर्स के, आपको छोटे छोटे क्लिप्स में आप लोग यहाँ पे ऑडियो बुक दिया गया हर एक चैप्टर का। एंड इसका प्राइस क्या है तो आप लोग यहाँ पे देखते हो, आपका अभी तो सेल चल रहा है, बस 49 रुपीज में आपको ये चारों सब्जेक्ट का ऑडियो बुक मिलने जा रहा है एंड डेफिनेटली एक घंटा से कम के समय में आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। एंड ये काफ़ी लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, तो डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक डाल दूंगा, आप लोग सिंपली क्लिक करके वहाँ से 49 रुपीज में इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो एंड एक्सेस अभी लेकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये बस रेंसो पब्लिकेशन जो कि रेंसो रिविजन है बस आप लोग यही प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको ले सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोग भी अपने बोर्ड में एंड प्री बोर्ड में काफ़ी अच्छी स्कोर कर सकते हो। सो आप लोग का यही कमेंट काफ़ी आ रहा था कि भैया क्लास 10 के बोर्ड आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, कैसे हम SST का रिविजन कर सकते हो। तो फाइनली गाइस आप लोग को पता चल गया कि SST का रिविजन कैसे करना है एंड आपका कोई भी डाउट आप कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बना दूंगा एंड डेफिनेटली बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हो। एंड चलो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक है, वहाँ जाओ बाय करो एंड प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ।